जय जय माता दी। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली सकारात्मक प्रयोग बताऊंगा, जिस सकारात्मक प्रयोग को करने के बाद आप अपने किस्मत में, अपने भाग्य में जिस प्यार को चाहते उसे लिख सकते। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे कोई प्यार करने वाला मिले, या फिर उसकी शादी उससे हो जो उससे प्यार करता है, या फिर जिससे वह प्यार करता है। इससे क्या होता है, चाहना अलग चीज होता है और आपके भाग्य के कारण आपको मिलना ना मिलना अलग चीज है। जिसके में है तो ठीक है, जिसको नहीं है तो इस प्रयोग से अपने भाग्य में लिख सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे आप जो हैं वह कुछ नहीं करते हैं, आपके भाग्य का निर्माण करने वाला कोई और है और आपकी किस्मत को बनाने वाला कोई और है। तो मैं एक ऐसा कर्म बताऊंगा, कर्म से ही आप अपने भाग्य को बनाते हैं, लेकिन आप कर्म के प्रति सजग कितने हैं यह मायने रखता है, और कर्म कौन सा ये मायने रखता है। जो कर्म होता है उसी से ही आप अपने भाग्य को बना सकते हैं, लेकिन कर्म का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि कर्म का ज्ञान रहेगा तभी तो आप कुछ चीज को पा सकते हो ना। बस शर्ते आपको यह प्रयोग को पूरे श्रद्धा, समर्पण और विश्वास से करना है। सात्विक प्रयोग बताऊंगा, सात्विक प्रयोग अर्थात पूरी तरह से सकारात्मक चीजों से, जिससे कि आपको आपका प्यार मिलेगा, प्रेमी या फिर प्रेमिका को खुद ब खुद मिलेगी बड़ी आसानी से, बिना किसी दिक्कत के। न घर परिवार का दिक्कत होगा, ना तो आपको किसी भी समाज का दिक्कत होगा, पूरी तरह से हर रास्ता खुल जाएगा। यह इतनी सकारात्मक चीज है जिससे कि जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही होंगी, क्योंकि मित्रों आपके भाग्य का निर्माण करने वाला कोई और है। याद रखिएगा, आप खुद से अपने भाग्य को नहीं बना सकते, नहीं तो लाख कोशिश करने के बावजूद किसी को कुछ भी नहीं मिलता। कुछ ना कुछ चीज ऐसी है जो उसकी शक्ति से, उसके ताकत से, या फिर उसके पहुंच से बाहर है, जिसके कारण जो चाहता है वह नहीं पा सकता। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिसे करने से भाग्य उसका साथ देना शुरू कर देगा। यह बहुत गहरी बात है, इस गहरी बात को आप समझ नहीं पाएंगे, इतना समझिए जो उपाय दे रहा हूँ उसे बस आंख बंद करके समर्पण से कर लीजिए। ये आप ही का फायदा करेगा, नुकसान तो कहीं किसी का नहीं होगा। करना क्या है, सबसे पहले आपका शरीर जो है पंच महाभूतों से बना है, पंच महाभूत के तत्वों से बना है, और करना क्या है, सबसे पहले एक कागज लेना है, कागज में मार्कर ले लीजिए, एक मार्कर से आप अपनी प्रेमिका का और अपना नाम लिखिए, नाम पूरा लिखिएगा और नीचे गोत्र लिखिएगा आप दोनों का। गोत्र लिखने के बाद इस कागज को कुछ नहीं करना है मित्रों, किसी पवित्र जगह, अब पवित्र जगह का अर्थ होता है मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, देवालय, गुरुद्वारा, चर्च, इन पवित्र जगहों में से कोई भी जगह, वहां पास आपको गड्ढा खोदकर गाड़ देना है। याद रखिए, पवित्र कार्य है, क्योंकि मंदिर मस्जिद में हमेशा सिर्फ दुआएं होती, प्रार्थना होती है, पूजा पाठ होती है, अर्थात ऐसी जगह जहां से पवित्र ऊर्जा सदैव निकलती है वहां पास इसे रख देना है। अब जब गाड़ेंगे तो आपका एक तत्व है धरती, जो धरती माँ है उससे प्रार्थना कीजिए, और आकाश तत्व है उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपका कार्य सफल हो, आप आशीर्वाद दें। आपके भाग्य को यही बनाएंगे और कोई दूसरा नहीं बना सकता, आपके कर्म में इनका आशीर्वाद होना जरूरी है। बस गाड़ दीजिए इन पवित्र जगह पे, और आपको सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से, अपनी आत्मा से एक गवाही देनी है कि मैं इस व्यक्ति का जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ूंगा और समर्पित रहूंगा। जिससे भी शादी करना चाहते हैं, फिर देखिए आपका प्यार आपको किस तरह से मिलेगा। यकीन मानिए, जो नहीं है वह भी आपके भाग्य में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपने कर्मों के इन चीजों को किया है, जो आपके भाग्य को निर्माण कर रहा है उनके संपर्क में आपने अपने आप को लाया है, तो वह चीज आपको खुद ब खुद मिलेगा। अगर समझ में नहीं आता हो तो नंबर है उसमें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जय जय माता दी मित्रों।